भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश की संपत्ति को बेचने से खफा होकर धनबाद यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कुमार गौरव के नेतृत्व में आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन कर रहे यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कुमार गौरव ने बताया कि वर्ष 2014 में बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतवासियों से वादा किया था कि हम देश नहीं बिकने देंगे और यह वादा आज टूटता दिख रहा है। वहीं यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, मोदी जी के द्वारा किया गया वादा आज तोड़ा जा रहा है। देश की संपत्ति को भिन्न भिन्न पूंजीपतियों के हाथों बेचा जा रहा है। रेलवे को अडानी के हाथों, गैस पाइपलाइन को अंबानी के हाथों तथा BSNL को अंबानी के हाथ बेचा जा रहा है, जो कि हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भारत के साथ धोखा है और छलावा है। अगर इस पर हम भारत के लोग अगर नहीं जागे तो आने वाले समय में मोदी जी आम जनता को भी बेचने से पीछे नहीं हटेंगे। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि युवा कांग्रेस अब जाग गई है और आने वाले अगले महीने में हम यूथ कांग्रेस के हजारों हजार संख्या में आंदोलन करेंगे तथा धनबाद DRM को बंधक बनाने का काम करेंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमारे देखो प्रधानमंत्री 2014 में जो देश को लुभावना वादा दिए थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज उनकी वित्त मंत्री बोल रही है कि नहीं भाई, मैं तो देश का एक एक चीज बेच के रहूंगी। तो मैं आप लोग के माध्यम से पूछना चाहता हूं, वो रेल प्राइवेट को अडानी को दे रहे हैं, गैस पाइपलाइन अंबानी को दे रहे हैं, BSNL अंबानी को दे रहे हैं, कल को हम आप जैसे लोग को भी वो किसी के हवाले कर देंगे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा धोखा वो भारत के साथ क्यों कर रहे हैं। हम यूथ कांग्रेस के साथी उनकी ये मनमानी नहीं चलने देंगे। राहुल गांधी जी ने भी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको चेताया है और लोगों के बीच लोगों को बताने का काम किया है कि हमारी हमारी संपत्ति को वो बेच रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश के युवा जाग गए हैं और वो शांत नहीं बैठेंगे। हम धनबाद के युवा कांग्रेस के साथी अगले महीना किसी भी दिन बड़े पैमाने पर DRM को घेरेंगे, स्टेशन परिसर को घेरेंगे। हजारों हजार की संख्या में नौजवान लोग हमसे संपर्क में हैं। हम लोग बहुत बड़ा यूथ कांग्रेस का आंदोलन करने जा रहे हैं और DRM साहब को बंधक बना के मोदी जी के पास भेजेंगे कि धनबाद रेलवे चाहे कोई भी रेलवे हम बेचने नहीं देंगे।